शामली विद्युतीकरण रेलवे लाइन पार्ट टू। जैसा कि हम पार्ट वन में बता चुके हैं, इसका हमने आज पार्ट टू भी बनाया है। हमें रेलवे की तरफ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। शामली लोनी से सहारनपुर तक रेलवे लाइन विद्युतीकरण का कार्य गति पकड़ चुका है। रेलवे लाइन के किनारे खंभे खड़े किए जा चुके हैं और अब रेलवे लाइन के विभाग की टीम ने घंटों तक उन पर कार्य किया है। शामली के बीच यह कार्य किया जा रहा है, हालांकि यह कार्य पौने दो घंटे में पूरा होना था। दिल्ली शामली सहारनपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की मांग अग्रवाल मित्र मंडल के चेयरमैन नवीन गर्ग, सचिव अनुज बंसल आदि द्वारा लंबे समय से की जाती रही थी। क्षेत्रवासियों के अनुरोध पर तत्कालीन सांसद बाबू हुकुम सिंह ने 3 साल पहले संसद में यह मांग उठाई थी। यह मांग मान ली गई थी और केंद्र सरकार ने इस रेल मार्ग पर विद्युतीकरण का कार्य शुरू कराया था। लगभग 6 माह से यह कार्य चल रहा था। लॉकडाउन समय में लोनी से कांजला के बीच रेलवे लाइन के किनारे विद्युत खंभे लगने के लिए बड़े स्तर पर कार्यवाही शुरू की गई थी। बाद में यह कार्य शामली से सहारनपुर जनपद के टपरी के बीच चला। विभाग की टीम ने विशेष ट्रेन से खंभे शामली व सहारनपुर जनपद में रेलवे लाइनों के किनारे डाले थे, जिन्हें गहरे खड्डे खोदकर क्रेन की मदद से खड़े किए जा रहे हैं। गुरुवार को 1 घंटे का ब्लॉक लेकर विभागीय टीम ने शामली में रेलवे टीम के द्वारा किए जा चुके खंभों पर विद्युतीकरण के लिए तार को खींचना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन विद्युतीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की रेलवे लाइन पर चल रहे विद्युतीकरण के कार्य के चलते समय शहर के धीमनापुर रेलवे फाटक पर बार बार बंद होने से जाम की स्थिति बन रही है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे विभाग द्वारा सहारनपुर व दिल्ली रेलवे मार्ग पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। सोमवार को शामली के धीमनापुर फाटक स्थित रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर होने के कारण रेलवे विभाग द्वारा बार बार फाटक बंद किए जाने से शहर में जाम की स्थिति बन गई है। दिन में कई बार फाटक बंद होने से शहर के धीमनपुरा से लेकर शहर के शिव चौक तक वाहनों की लाइन लगी हुई है। अब जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, सहारनपुर के टपरी तक विद्युतीकरण होना है, लेकिन शामली में बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। शामली में खंभे खड़े किए जा चुके हैं और अब उन पर तारों की वायरिंग हो रही है और तेज़ी से वायरिंग की जा रही है। इस तरफ रेलवे की टीम ने बहुत ही तेज़ी से कार्य किया है। लगता है अब जल्दी कार्य संभव हो पाएगा, क्योंकि रेलवे की टीम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा रही है, जिससे आप शामली रेलवे स्टेशन को भी देख सकते हैं, उस पर भी बहुत तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं। अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बे के दैनिक यात्रियों ने रेलवे के अधिकारियों से दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर पैसेंजर ट्रेनों के चलाने की मांग की थी। कस्बा निवासी दैनिक यात्री यात्रियों के आवागमन में भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ट्रेनों के बंद होने से जहां समय की बर्बादी हो रही है, वहीं पैसा अधिक खर्च भी हो रहा है।
कुछ इन्फॉर्मेशन हमें रेलवे के साइड से कलेक्ट की है और कुछ हमने ज़मीनी स्तर पर जाकर वहाँ से वीडियो शूट की है। ज़मीनी स्तर पर जाकर हमें पता चलता है कि वहाँ कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की परंतु उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि वहाँ पर एक तो कोविड के वजह से कोई बात नहीं कर रहा है और दूसरा कि वहाँ पर कार्य तेज़ी से प्रगति पर चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कई कई किलोमीटर तक वायरिंग हो चुकी है और कई 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 किलोमीटर तक उसका विद्युतीकरण हो रहा है और शामली रेलवे लाइन को डबल भी किया जा रहा है। कई कई जगहों पर मजदूर तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। आप वीडियो में देखने हम और कुछ आपको जो जानकारी मिलेगी वो वीडियो में शेयर करेंगे। कुछ हम आपको बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाए, जो वीडियो बना पाए उसकी ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं हम आपको। क्योंकि रेलवे का अब सभी लाइनें विद्युतीकरण करने का निर्णय ले चुकी है, सभी रेलवे लाइन अब विद्युतीकरण की ओर बढ़ रही हैं। पहले ये रेलवे लाइन डीजल की थी लेकिन अब इसे विद्युतीकरण में बदला जा चुका है। शामली में जहां अब विद्युतीकरण कार्य हो रहा है, वहीं इसके साथ साथ बड़ौत में भी विद्युतीकरण और डबलिंग का कार्य तेज़ी से चल रहा है। बड़ौत में भी डबलिंग हो रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बड़ौत में डबलिंग हो रही है और विद्युतीकरण भी हो रहा है। विद्युतीकरण के लिए वहाँ के सांसद ने बहुत ही आवाज रेल मंत्री से बात की थी, जिसके बाद वहाँ पर अब कार्य संभव हो चुका है। और क्योंकि वह सिंगल लाइन थी तो अब उसे डबल लाइन भी किया जा रहा है, जिससे कि अब वहाँ के फ़ायदा होगा। एक बार फिर हम शामली की ओर अपनी बात बढ़ाते हैं। शामली में देखने में आ रहा है कि रेलवे की टीम अब बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है, क्योंकि उसे अपने कार्य को टाइम के साथ पूरा करना है। इसके लिए वह अपने कार्य को तेज़ी के साथ कर रही है। शामली में स्पेशल ट्रेनों में तार वायरिंग करने वाले भेजे जा रहे हैं, जिससे कि वायरिंग हो सके। लगभग स्टेशन पर तो वायरिंग भी हो चुकी है। ये खंभे स्पेशल ट्रेन के भेजे गए हैं शामली में, जो कि पहले कोविड के टाइम पर भेजे गए थे, अब इन्हें लगाया जा चुका है। अब इन पर काम चल रहा है, देखना होगा यह काम कब तक फाइनल होता है। और जानकारी के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, जो कि पार्ट 3 होगी शामली की। चैनल पर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।